पानी की किल्लत पर एक तरफ तो आम जनता परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी इसे लेकर बेचैन है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गई है। दिल्ली में पानी की कितनी कमी है इस बात को केवल वही समझ सकता है जिसे टैंकर आने के बाद बाल्टी और डब्बे लेकर उस टैंकर के पीछे भागना पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि दिल्ली हर साल जल संकट से क्यों जूझती है और पानी कहां से मिलता है, दिल्ली में पानी की कमी आखिर क्यों है। दिल्ली में इस समय पारा काफी हाई है और इसी वजह से पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और भूजल का स्तर भी काफी नीचे जा चुका है। इसके साथ ही दिल्ली के ट्यूबवेल और रेनी कुएं, आसपास की नदियां सूख गई हैं। इसके अलावा जल प्रदूषण भी एक बड़ी वजह है। नदियों, झीलों और दूसरे जल स्रोतों में बढ़ते प्रदूषण की वजह से उनका पीने लायक पानी नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है और दिल्ली जल बोर्ड केवल 1000 MGD पानी ही उत्पादन करता है। दिल्ली के पास पानी का खुद का कोई भी सोर्स नहीं है और इसी वजह से उसे पड़ोसी राज्यों के भरोसे पर रहना पड़ता है। आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है और ज्यादातर पानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब से मिलता है। दिल्ली को हरियाणा से यमुना नदी से, पंजाब से रावी व्यास नदी के अलावा भाखड़ा नांगल और उत्तर प्रदेश से गंगा नदी से पानी मिलता है और पानी की इस जंग में हर बार मुनक नहर का जिक्र जरूर आता है। हरियाणा से दिल्ली तक पानी लाने वाली ये नहर हर बार चर्चाओं में आती है। ये नहर दिल्ली के लिए पानी का एकमात्र जरिया है। मुनक नहर से टैंकर माफिया अवैध रूप से पानी निकाल लेते हैं। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने कहा कि राजधानी में पानी के टैंकरों में कटौती हो रही है। पानी की चोरी को रोकने के लिए मुनक नहर पर पुलिस का कड़ा पहरा है। 24 घंटे पुलिस के जवान पाइपलाइन की सुरक्षा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पानी की चोरी करने वालों पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास फॉर्मूला तय करने की विशेषज्ञता नहीं है। इस पर सभी पक्षों के साथ गहनता से बातचीत के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि पानी के बंटवारे का मुद्दा अपर यमुना रिवर फ्रंट पर छोड़ देना चाहिए। कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को निर्देश दिया कि वो दिल्ली सरकार का आवेदन मिलने के बाद मीटिंग कर इस मामले को जितना जल्द हो सके सुलझाएं।